हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामार्जुन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। अगेन हमारा एक वीडियो प्रॉब्लम है जिसमें हम IIT एग्जाम 2019 का एक अगेन एक एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है आपका an कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स सच दैट a1 इक्वल्स टू 1 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू an प्लस an होल स्क्वायर फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो an गिवन है an प्लस 1 इज इक्वल टू an 1 प्लस an, हमने यहाँ से an कॉमन निकाल लिया। नाउ पुट n इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज a2 इक्वल टू a1 इंटू 1 प्लस a1। पुटिंग n इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज a3 इक्वल टू a2 1 प्लस a2, बट a2 इज दिस, दिस इज a1 1 प्लस a1 1 प्लस a2। पुटिंग n इक्वल टू 3, व्हाट वी गेट a3 इंटू 1 प्लस a3, बट a3 इक्वल टू a1 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3। दिस इज माई a4 and this is precisely the option first. So option 1 is correct. Now for the other option, अब पहला मेरा क्लेम क्या है कि आप जो सीक्वेंस an है एक्चुअली वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी पे। क्लेम an goes to प्लस इन्फिनिटी, उसके लिए हम क्या कैसे प्रूव करेंगे इसको। एक्चुअली मैं प्रूव करूंगा कि an आपकी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो क्लेम कि an इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरा एक क्लेम है कि an आपका b ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या n है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप यहाँ पे a1 निकालेंगे विच इज 1, this is true for n equals to 1 because of this. Now using induction, let an is greater than equals to n, induction से हम इसको let कर लिया है। Now an plus 1, this is an 1 plus an, this is greater than equals to, because आपका an 1 से ज़्यादा है तो this is imply this is bigger than equals to 1 plus an. But an by induction is bigger than equals to n, it implies this is bigger than equals to n plus 1. So using induction, an plus 1 is bigger than equals to n plus 1. Hence it implies an is greater than equals to n for every n belongs to natural number. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि आपका जो an है greater than equals to n है for every n belongs to natural number using induction. But आपका जो n है वो डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे, इट इम्प्लाइज आपका जो an है वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। सिंस n गोज टू प्लस इन्फिनिटी, इट इम्प्लाइज an गोज टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपका an है एक्चुअली डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी के ऊपर, तो आपका जो ऑप्शन d है वो तो रॉन्ग हो गया। अगर an goes to plus infinity, it implies 1 upon an goes to 0, तो आपका ऑप्शन जो b है वो करेक्ट हो गया। जब आपका b करेक्ट है तो ऑप्शन आपका जो c है वो ऑटोमेटिकली आपका रॉन्ग हो गया। तो आपके इसमें ऑप्शन a और b करेक्ट है जबकि ऑप्शन c और d आपके रॉन्ग है। तो दिस वॉज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वेरी मच।